कार्यभार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैथल के गोहला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने लोगों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए और नॉनस्टॉप विकास की इस प्रक्रिया को आगे भी ऐसे ही बनाए रखा। उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि हिमाचल में भी ऐसे ही घोषणाएं की थी, लेकिन 2 साल होने के बाद एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। आज हिमाचल में सरकार को कर्मचारियों का वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां यही हालचाल है। उन्होंने जनता से कांग्रेस की बातों में ना आने को कहा है। कांग्रेस चुनाव के समय जनता से लुभावने वायदे करके वोट हथिया लेने का काम करती है और चुनाव के बाद जनता को 5 साल सरकार को भुगतना पड़ता है, जबकि भाजपा ने जो वायदे किए उन सबको पूरा करके लोगों तक लाभ पहुंचाया है। एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखी, ये आज नहीं लिखी, ये लगभग 2 वर्ष पहले इन्होंने लिखी थी। और ये सबसे पहले जो झूठ का पुलिंदा है हिमाचल के अंदर उतारा, फिर कर्नाटक के अंदर उतारा, फिर तेलंगाना के अंदर उतारा। भाई हिमाचल तो हमारे नजदीक है, आप सब जाते रहते हैं, आप लोग वहां जाकर के पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। भाइयों वहां पर इन्होंने जो ये झूठ का पुलिंदा अब हरियाणा में लेकर के आया है, इन्होंने ये पहले हिमाचल में उतारा। 2 साल हो गए हैं सरकार को, वहां पे इन्होंने कहा कि हम हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन नहीं निकाली। 2 साल हो गए हैं, वोट ले लिया। ये झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ाते हैं और बरगड़ा करके उनका शोषण करते हैं।